संसद का बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सरकार ने विपक्ष के सहयोग के लिए विपक्षी दलों से संपर्क किया है और कहा है कि वो किसी भी मुद्दे के समाधान पर चर्चा के लिए इच्छुक है ताकि ये सत्र लाभकारी हो सके। सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सभी पार्टियों को भरोसा दिलाते हैं कि उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों पर संसद में चर्चा कराई जाएगी और संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सबसे बड़े विपक्षी दल का सहयोग हासिल करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। नायडू ने इसे एक अच्छी मुलाकात बताया और इसके बाद में संसदीय कार्यमंत्री ने संसद के दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं की बैठक आयोजित की। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान आपसी सहयोग की भावना की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जोर देके कहा जो भी इश्यू डिस्कस करे वो तो अलग बात है, मगर पहले सदन को चलने देना चाहिए और पार्लियामेंट का प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक का एंड रिजल्ट है। बजट सत्र की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई है। कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है तो वहीं पर 25 फरवरी को कांग्रेस संगठन और विधायकों की संयुक्त बैठक है। प्रदेश सरकार बजट सत्र की तैयारियों में लगी हुई है, वहीं सरकार को घेरने के लिए मुद्दों के अभाव से जूझ रही कांग्रेस अब विधायकों को क्लास देगी, जिससे कांग्रेस के विधायक विधानसभा में सरकार को घेर सके और कांग्रेस विधायकों की ये क्लास लेंगे प्रदेश कांग्रेस के आला नेता। इनमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी शामिल हैं। अब प्रदेश कांग्रेस विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी अपने विधायकों को करवाएगी और कौन कौन से मुद्दों को सदन में उठाना है ये भी प्रदेश कांग्रेस ही तय करेगी। दरअसल 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 24 विधायक हैं। ऐसे में निकाय और पंचायत चुनाव जीत चुकी बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के पास मुद्दों का टोटा है। ऐसे में अब की बार प्रदेश कांग्रेस अपने विधायकों को विधानसभा में रणनीति की तैयारी करवाएगी। मुद्दों की लंबी फहरिस्त है, अब खाली प्रायोरिटी तय करनी है कि क्या मुद्दे प्रायोरिटी के आधार पर रखे जाएं। किसानों के मुद्दे सामने हैं, बिजली मिल नहीं रही है, 24 घंटे की बातें करते थे, सवा साल तो इनको हो गया है, और स्वाइन फ्लू का आप देख रहे हो 208 का आंकड़ा पार कर चुका है, स्वाइन फ्लू को लेकर लोग चिंतित है, तो मुद्दे तो मैं समझता हूँ कि लंबी फहरिस्त है। दरअसल 14वीं विधानसभा का चौथा सत्र 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे राज्यपाल कल्याण सिंह के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन इससे पहले 25 फरवरी को सुबह 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी और कांग्रेस विधायकों की संयुक्त बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बुलाई गई है। एआईसीसी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत, सह प्रभारी मिर्जा इरशाद बेग, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर ढूडी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के तमाम आला नेता और विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। झुंझुनू में पीसीसी के पूर्व चीफ और वरिष्ठ कांग्रेसी डॉक्टर चंद्रभान ने पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के घर वापसी पर फिर से एक बड़ा बयान दिया है। चंद्रभान ने आला कमान को फैसले पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार चुनावों में मिलती हार के बाद कांग्रेस में अंतर कलह खुलकर सामने आने लगी है। विधानसभा, लोकसभा, निकाय और पंचायत चुनाव, लगातार 4 हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता तो निराश हैं ही, आला नेता भी अपनों पर सवाल उठाने लगे हैं। पंचायत चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अब आला कमान के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने हर तिकड़म अपनाई, हर वो फैसला लिया जिससे कांग्रेस गांव में अपनी सरकार बना सके। गांव में सरकार बनाने के लिए चुनाव से पहले कांग्रेस ने बागियों की घर वापसी कराई। पार्टी पंचायत चुनाव में जीत का स्वाद चखने के लिए नेताओं की उन बगावत को भी भुला बैठी जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा तार तार हो गई थी। कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पानी पी पी कर टीवी चैनलों पर गाली देने वाले भंवरलाल शर्मा की घर वापसी कराई गई थी।
भंवरलाल शर्मा के अलावा हरेंद्र मिर्घा, रीटा चौधरी, जेपी चंदेलिया, राजकुमार शर्मा और राजपाल शर्मा की भी वापसी कराई गई थी। शुरुआत में इस फैसले का पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी विरोध किया था, लेकिन आला कमान के आदेश के बाद सचिन पायलट भी फैसले के समर्थन में दिखे। बागियों की वापसी के बाद भी कांग्रेस पंचायत चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और ऐसे में एक बार फिर विरोध के सुर उठने लगे। पीसीसी के पूर्व चीफ और वरिष्ठ कांग्रेसी डॉक्टर चंद्रभान ने पंचायती चुनाव से पहले कांग्रेस के बागी नेताओं के घर वापसी पर सवाल खड़े कर दिए थे। पीसीसी के पूर्व चीफ और वरिष्ठ कांग्रेसी डॉक्टर चंद्रभान ने पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस के बागी नेताओं के घर वापसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्रभान ने फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निकाले गए नेताओं की वापसी का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिला। मेरा जो वक्तव्य था वो जनरल था और अब तो खैर ये बात तो पुरानी हो गई है, इसका कितना लाभ हुआ नुकसान हुआ उसका असेसमेंट पार्टी करेगी। मेरे हिसाब से इन पंचायत चुनाव में तो कोई लाभ वगैरह हुआ नहीं, विशेष रूप से हमारे यहाँ अलसीसर की तरफ तो कोई लाभ हुआ नहीं, और भी कोई एक दो जगह हुआ होगा, बाकी लाभ तो हुआ नहीं, यहाँ भी नहीं हुआ। ये हम लाल जी को लिया था वहाँ सरदार शहर में, वहाँ भी पार्टी चुनाव नहीं जीती। सवाल चुनाव जीतने हारने लाभ और नुकसान का नहीं है, पार्टी की नीति और सिद्धांत का है। जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो चुनाव का समय हो या बिना चुनाव के समय। मैं तो इस राय का हूँ। बागियों की वापसी से पंचायती चुनाव में कांग्रेस को फायदा नहीं मिला, उल्टा पार्टी में बगावत के सुर जरूर उठने लगे हैं। झुंझुनू से इम्तियाज फाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। कहते हैं कि आशिकी करना तो आसान है लेकिन उसका परिणाम भुगतना बेहद मुश्किल होता है, ऐसा ही वाकया अजमेर में पेश आया है, देखिए खास रिपोर्ट। बुढ़ापा दहलीज पर था, उम्र बच्चों की ढंग से परवरिश करने की थी, लेकिन उसके सिर पर तो इश्क का फितूर सवार था। फितूर भी ऐसा कि न उम्र देखी न दूरी, बस मोबाइल से मैसेज करने में मशगूल था। और जब ये सरफरा आशिक लोगों के हत्थे चढ़ा तो लोगों ने भी उसके इश्क के भूत को उतारने में देरी नहीं की। भीलवाड़ा की रहने वाली एक महिला पिछले काफी दिनों से परेशान थी, उसकी बेटी को एक सरफरा आशिक काफी दिनों से परेशान कर रहा था। सरफरा आशिक युवती के मोबाइल पर अश्लील मैसेज करता और उसे फोन कर उसे परेशान करता था। बेटी के फोन पर रोज रोज आने वाले अश्लील मैसेज और फोन से परेशान होकर महिला ने अजमेर में रहने वाले अपने मायके वालों को खबर की। मायके वालों ने महिला से वो नंबर लिया और उस नंबर पर फोन किया। फोन करने के बाद महिला के मायके वालों को पता चला कि परेशान करने वाला शख्स अजमेर का ही है और कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता है। मायके वालों ने उस शख्स से कहा कि वो अपना कंप्यूटर रिपेयर कराना चाहते हैं, जिसके बाद वो आशिक मिजाज शख्स मायके वालों की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। उसके पहुंचते ही लोगों ने उसका फोन छीन लिया और जब चेक किया तो उन्हें वो मैसेज मिल गया जो वो शख्स करता था। इसके बाद तो वहां मौजूद लोग उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े और उसकी जमकर पिटाई की। किसी ने उस पर लात बरसाई तो किसी ने घूसे, उसे मुर्गा बनाया और इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो हमारी सिस्टर का फोन आया कि लड़का यहाँ से अजमेर से आता है देवेंद्र नाम से, वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो इससे हमने कल बुलाया, आज फोन करके भाई क्या करते हो, तो इन्होंने कहा कंप्यूटर, हमने कहा कंप्यूटर ठीक करना इधर आ। यह आके कहता है कि भैया ये नंबर मैंने मैसेज नहीं किया, तो मैंने कहा फोटो कैसे भेजी, तो भैया जान पहचान नहीं हुई थी तो मैं मेरी फोटो भेजता था, असल खुद की फोटो भेज रहा है, ये कर रहा है। और फिर आके कबूल कर रहा है कि मैंने भैया बात करता था मगर वैसे नहीं होती थी। मेरे कहा कैसे होती है, मैसेज है कि मैंने मैसेज भी इसके मोबाइल में हमारे पास है। आशिक मिजाज शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अजमेर से संतोष सोनी, समाचार प्लस।
सिरोही नगर परिषद में सीसीटीवी घोटाले का खुलासा हुआ है। यह खुलासा देवस्थान राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी के निर्देश पर हुई जांच के बाद हुआ। सिरोही में तीसरी आंख का घोटाला सामने आया है और ये घोटाला हुआ है सिरोही की नगर परिषद में। सिरोही नगर परिषद में सीसीटीवी कैमरे की खरीद होनी थी और इन सीसीटीवी की खरीद में जमकर नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल नगर परिषद में 10 लाख के 8 सीसीटीवी खरीदे जाने थे, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तत्कालीन सभापति जयश्री राठौड़ और आयुक्त लाल सिंह राणावत ने 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत पर 34 कैमरे खरीद डाले। इसके अलावा खरीदारी के लिए जो तरीका अपनाया गया वो भी सवालों के घेरे में है। नगर परिषद ने कैमरे की खरीदारी के लिए ऐसे अखबारों में निविदाएं दी जिनकी बिक्री ही नहीं है और ऐसा जानबूझकर पूरी प्रक्रिया को छुपाने के लिए किया गया। यही नहीं, बोर्ड ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी गैर कानूनी तरीके से कैमरों की खरीदारी की। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब देवस्थान राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने जिला कलेक्ट्रेट से इस मामले की जांच के निर्देश दिए। राज्य मंत्री के निर्देशों के बाद कलेक्ट्रेट ने मामले में एक 4 सदस्यीय टीम गठित की। टीम ने पूरे मामले की जांच की और घोटाले को सही पाते हुए जिला कलेक्ट्रेट को रिपोर्ट सौंप दी। ये अपना जो नगर पालिका चुनाव से 2 महीने पहले एक सिरोही जिले में सीसीटीवी कैमरा शहर भर लगाया गया था पिछली बोर्ड के द्वारा। इसमें कुछ पार्षदों ने इसमें ऑब्जेक्शन रेज किया कि इसमें प्रक्रिया तरीके से नहीं हुआ है। फिर प्रशासन ने क्या किया कि ADM जो यहाँ है उनके ऊपर इसको जांच सौंपा था और जांच मतलब लगातार चलता रही और इलेक्शन समाप्त होने के बाद इसका अनाउंस करना था हमें। अब जांच रिपोर्ट पूरी पड़ी है मेरे पास, इसमें जरूर अनियमितता जो निविदा प्रक्रिया जो है उसमें अनियमितता जरूर पाया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि नियमों की अनदेखी भी हुई है और घोटाला भी। अब ये देखने वाली बात होगी कि आरोपियों पर कार्रवाई कब तक होती है। सिरोही से अनिल रावल, समाचार प्लस। केंद्र सरकार ने खनन नीति में संशोधन कर खनन पट्टेधारियों पर खान और भू विज्ञान विभाग पर शिकंजा कस दिया है। केंद्र सरकार का खनन नीति और 2015 का अध्यादेश मिलने के बाद राज्य सरकार ने भी प्रदेश के खनन नीति में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। मार्च तक प्रदेश के खनन नीति और नियमों में संशोधन की संभावना है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि अध्यादेश के मुताबिक प्रदेश के खनन नीति और नियमों में संशोधन के बाद खनन पट्टे आवंटन में पारदर्शिता, अवैध खनन और भू विज्ञान विभाग के नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगेगा। साथ ही इस अध्यादेश से विभाग को भी लक्ष्य से ज्यादा राजस्व और रॉयल्टी वसूली में भी आसानी होगी। बालोतरा पंचायत समिति के नव निर्वाचित प्रधान के शैक्षिक योग्यता का दस्तावेज जांच में संदिग्ध पाया गया है। मार्कशीट की जांच के लिए बालोतरा पुलिस ने एक टीम यूपी के इलाहाबाद में भेजी गई और सूत्रों की माने तो जांच में प्रधान के रोल नंबर पर दूसरे के नाम होने की बात सामने आई है। मार्कशीट की जन्मतिथि में भी हेरफेर की बात सामने आई। बता दें कि प्रधान ओम प्रकाश ने 2010 में जब पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था तब योग्यता में खुद को 8वीं पास बताया था। प्रशासन के निर्देश पर पूरे मामले की जांच बालोतरा पुलिस कर रही है। बारा शहर में आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यरत सहायिका पर फर्जी मार्कशीट देकर नौकरी करने का मामला सामने आया। सहायिका शहर के चरीघाट रोड स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यरत है। शिकायतकर्ता मनोज कुमार ने सहायिका पर फर्जी दस्तावेज से नौकरी करने का आरोप लगाया है, जबकि आंगनवाड़ी सहायिका ने फर्जी दस्तावेज लगाने की बात से इनकार कर दिया। वहीं ADM ने मामले का संज्ञान लेते हुए भरोसा दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद मामले की जांच शुरू हो गई। मुझे मालूम है नहीं, आपने मार्कशीट लगाया 8 पास की जो फर्जी लगाई है क्या? आपने फर्जी मार्कशीट लगाई? नहीं लगाया, मैंने तो सही डॉक्यूमेंट दिया था और रमेश मेंबर ने करी है, मेरे साथ 420। तो आप 8 पास हो? हाँ। क्या सबूत है आपके पास 8 पास? 8 पास की मेरी मार्कशीट तो लगाई नहीं, उन्होंने कहा था कि बना के लगा दी, मेरे को याद ही नहीं।
पलामू शहर के मलार रोड इलाके में बेशकीमती करोड़ों की जमीन फर्जी पट्टे पर प्रकरण बाकी 18 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। इस मामले में सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में शहर के तत्कालीन अधिकारी और कई प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम होने की भी खबर है। ये मामला 2012 का है। जांच में सीबीसीआईडी और साथ ही 23 लोगों को भी दोषी माना गया है, जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर गिरफ्तारी की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस को 23 फरवरी को हाईकोर्ट में रिपोर्ट देना है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कोर्ट में रिपोर्ट देने से पहले और कितने लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाती है। इसकी जांच जो चल रही थी वो सीआईडीसीबी द्वारा फरमाई जा रही थी। सीआईडीसीबी ने अपने अनुसंधान पूर्ण कर 23 मुजरिमानों के विरुद्ध जुर्म साबित माना। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 23 के 23 जो आरोपी हैं, मुजरिम हैं, उनकी गिरफ्तारी की जानी थी। कोर्ट ने अपेक्षा की है कि 23 तारीख को इसकी पूर्ण पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अब तक 23 में से 5 मुजरिमानों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और जेसी करवाया गया। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला की मौत होगी जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उनका इलाज जारी है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग शहरों की दो तस्वीरें देख रहे हैं। केशवरायपाटन और चाकसू की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर केशवरायपाटन की है जहां पर एक बाइक बेकाबू होकर पुलिस फिसल गई और हादसे में एक बाइक सवार महिला की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर चाकसू की है जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं जिनमें से 4 महिला और एक बच्चा शामिल है। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है जहां उनका इलाज जारी है। उदयपुर के ऋषभदेव थाना इलाके में एक मार्बल साइंस वे खनन का कार्य करते समय मार्बल ब्लॉक के नीचे दबने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना के बाद मजदूर घटनास्थल पर जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। मुआवजे की राशि और मांगों को लेकर समझौता नहीं होने से शाम तक मजदूरों के शव भी निकाले नहीं जा सके। श्रमिक संगठन ने मृतक के परिवार को 16,75,000 रूपये की राशि का चेक देने की मांग पर अड़े हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में नदी में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही लाश को अपने कब्जे में ले लिया। घटना गंभीरी नदी के पास का है जहां पर पुल के पास एक युवक की लाश मिली है। नदी में युवक की लाश पड़े होने की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा शुरू हो गई और साथ ही लाश 3-4 दिन पुरानी बताई जा रही है जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने लाश मोर्चे में रखवाकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। और 5 दिन पुराना सा लग रहा है। चमड़ी भी सड़न गलन लग रही है। अभी तक अज्ञात है। चप्पल जरूर बाहर पड़ी हुई थी और ये जब बॉडी तैरती बाहर दिखाई दी जब किसी बच्चा ने देखी और पुलिस को इतला दी। पुलिस ने इसको बाहर निकाल के मोर्चरी रूम भेज दी गई है और इसके ज्ञात करने के लिए ऑल रेंज बच्चों को सूचना कर दी और मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बयाना में भगवान का घर चोरों के निशाने पर है। ताजा मामला दिगंबर जैन मंदिर का है जहां पर एक चोर ने चांदी के जेवर और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। आरोपी मंदिर में दर्शन करने के बाद दाखिल हुआ और इसी बीच उसने चौकीदार से पीने के लिए पानी मांगा। चौकीदार के मंदिर से जाते ही युवक ने मंदिर में लूटपाट शुरू कर दी। आरोपी मंदिर से 3 चांदी के मुकुट और 20,000 की नकदी लेकर फरार हो गया। मंदिर में चोरी की वारदात से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है तो वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उधर परमसर में भी चोरों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला वार्ड नंबर 11 का है जहां पर चोरों ने घर पर धावा बोलकर लाखों के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त मकान मालिक अपने परिवार के साथ गांव गया हुआ था और इसी मौके का फायदा उठाकर चोर घर में दाखिल हुए और घर में रखे हुए सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। चोरों ने घर के पास बनी दुकान में भी चोरी की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शाहपुरा के मनोहरपुर थाना पुलिस ने एनएच पर गश्त के दौरान अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है। ट्रक में करीब 811 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। जब्त किए गए शराब की कीमत करीब 50,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक के चालक और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है। जब्त शराब हरियाणा निर्मित बताई जा रही है। विजयनगर शहर के सभी सरकारी पार्क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी की वजह से पार्क कचरा पार्क में तब्दील हो गया है। साथ ही नगरपालिका परिसर में बने गांधी उद्यान पर लाखों खर्च किए गए हैं लेकिन नगरपालिका प्रशासन की अनदेखी के कारण इस पार्क से लोगों का मोह भंग हो गया है। पार्कों की बदहाल हालत को देखकर लोगों में नाराजगी है और अब देखना यह है कि इन सरकारी पार्कों पर कब तक सरकार मेहरबान होती है।
ब्यावर को जिला बनाने को सालों से मांग चल रही है, लेकिन फिर भी जिला बनाने की मांग को लेकर ब्यावर सिटीजन काउंसिल ने चांग गेट के एक दिवसीय धरना दिया और काउंसिल सदस्यों के इस अभियान का लगभग 12 अन्य सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन किया है। सदस्यों ने मांग रखी थी कि ब्यावर को ऐसे बजट में जिला बनाया जाए। सदस्यों का कहना था कि इससे पहले भी कई राजनेताओं ने ब्यावर को जिला बनाने के झूठे आश्वासन दिए, लेकिन किसी भी बजट में ब्यावर को जिला घोषित नहीं किया गया। ब्यावर का करोड़ों का राजस्व सबसे बड़ा